मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क लगाकर मुहान से काखिया शरीर से गर्मी को सोखता है, जिससे यह मुहान से और जलन से निजात पाने का एक बेहतरीन जरिया बन जाता है। यह पिंपल को बहुत हद तक खत्म कर देता है। सबसे पहले खीरे को मशीन के जरिए बारीक कर लें। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले इसका रुपए निचोड़ लें। खीरे का गूदा जब बहुत ठंड हो जाए तो इसके जरिए रुपए को चेहरे पर लगाकर आप नमी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या फिर त्वचा डेड होने लगे जाएं तो चेहरे में निखार लाने के लिए आप हर हफ्ते एक बार स्क्रब का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए आप घर पर ही स्क्रब बना सकते हैं। स्क्रब बनाने के लिए आप आधा कप दही में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला लें। इसे आप नहाने से पहले 10 मिनट लगा कर रखें। पुरुषों के चेहरे पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, ऐसे में इन काले धब्बों को दूर करने के लिए आप चेहरे पर 20 मिनट के लिए खीरे, पपीता और टमाटर के रुपए की लेप बनाकर लगाएं। पुरुषों का चेहरा ज्यादातर ऑयली रहता है, इस वजह से जल्दी काला दिखाई देने लगता है। रोजाना टमाटर में शहद मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप चेहरे पर टमाटर और नींबू का फेस पैक लगाएं। एक अंडा लेकर उसकी सफेदी को फेंटें और नींबू निचोड़कर पैक बना लें। इस पैक को अपने चेहरे और गले पर 10 मिनट के लिए लगाकर रखें। जब यह सूख जाए तो इसे पानी से साफ कर लें। इसे लगाने से आपकी ढीली त्वचा खस्ती है। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां है तो इसे जरूर लगाएं। उपचार करना पुरानी भारतीय परंपरा है। यह आपको किसी भी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और इसमें बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं जो मुहांसे से छुटकारा दिलाता है। फेस पैक तैयार करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी में कुछ बूंद गुलाब जल और नींबू का रुपया मिला सकते हैं।